हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ युवराज मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑटो एक्सपर्ट्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ टाटा एल्ट्रॉस के अपडेट के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, या सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बेल आइकन दबा दीजिए और इस सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो टाटा एल्ट्रॉस है वो यहाँ पे आपको उसमें ECU अपडेट आया है। कुछ लोगों ने तो ECU अपडेट करा भी लिया होगा, क्योंकि उनका सर्विस सेंटर से कॉल आपका अधिकतर आ ही गया होगा अगर आपका अल्ट्रोज में ECU यूनिट जो है वो अपडेट होना होगा। आपको मैं बता दूं, जो ECU यूनिट है उसको अपडेट कराने से या होने से अगर आया होगा आप वाली अल्ट्रोज में, तो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो टाटा अल्ट्रोज में जितने भी फर्स्ट या सेकेंड बैच वाले लॉट्स हैं टाटा अल्ट्रोज के, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपके गियर शिफ्ट के इशू और आपकी इंजन वाइब्रेशन नॉइज़ और आपका कूलेंट और कूलेंट का इशू और AC का इशू। तो अभी रिजॉल्व हो गया रिसेंटली, बट ये सारे इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। जो ECU अपडेट कराएंगे उससे आपको, मैंने बहुत से कस्टमर को देखा जिनकी कार्स में वाइब्रेशन थे वो सॉल्व हो गए हैं। मैं ये वीडियो लेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि ECU अपडेट के बाद भी रिजॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, बट ऐसा नहीं है, रिजॉल्व हो चुके हैं। आपका इंजन वाइब्रेशन रिजॉल्व हो चुका है, जो आपका इंजन वाइब्रेट और आइडियल पे वाइब्रेशन आता था कार में वो रिजॉल्व हो चुका है, अधिकतर ख़त्म हो गया 0%। और आपका गियर वाइब्रेशन ख़त्म हो चुका है, और आपका आपका क्या कहते हैं उसको कूलेंट वाला वो भी ख़त्म कर दिया उन लोगों ने, और आपका यहाँ पे वाइब्रेशंस और आपका वो जो गियर शिफ्टिंग का इशू है वो भी सही हो गया है ECU अपडेट में। इसलिए ये ECU अपडेट जो है बहुत ही मेजर अपडेट है, अगर किसी का नहीं हुआ हो करा लीजिए जाके जल्दी से। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ट्राइड एंड ट्रस्टेड वीडियो है। और यार अगर आपका ऐसा ना नहीं हो तो यार ऐसा नहीं है, कुछ ही अल्ट्रोज में आया है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं सब अल्ट्रोज में नहीं आया, कुछ ही अल्ट्रोज में आया है जो फर्स्ट सेकेंड लॉट की अल्ट्रोज हैं, बट आप एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ लीजिएगा कि आपके में आया है कि नहीं SC यानी सर्विस सेंटर से। तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप नोटिस कर लीजिएगा वीडियो देख के कि आपकी गाड़ी में ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वाइब्रेशन तो नहीं है, या आपकी गाड़ी में इंजन नॉइज़ ज़्यादा तो नहीं है। हाँ, इंजन नॉइज़ भी ज़्यादा तो नहीं है, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, और एयर AC का आपका, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, गियर नॉब की गियर वाइब्रेशन की सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो आप बताइए, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई इस वीडियो के बाद की नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना यार, व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, व्यूज़ इतने आते हैं, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो एक्सपर्ट्स, बाय।